बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य की हेमंत सरकार पर विधि व्यवस्था खराब होने का आरोप लगाते हुए जंगलराज करार दिया है। राज्य में रोजगार के मुद्दे पर कड़ी आलोचना करते हुए युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया। बीजेपी 20 अगस्त से राज्य सरकार की विफलता को लेकर पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी। जिस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब रहेगा वहाँ पर विकास की कल्पना नहीं कर सकते। समाज भयभीत होकर के जीवन सफल जीवन का निर्वहन नहीं कर सकता है। और पूरे देश में जिस प्रकार से 18 महीने के शासनकाल हेमंत सोरेन जी की सरकार में कानून व्यवस्था लचर नहीं हुई, बल्कि मैं तो कह सकता हूं कि ध्वस्त हो गई। आम आदमी को भय और आतंक महसूस हो रहा है। जंगल राज की आहट महसूस हो रही है। और वो पुराने दिन को याद हम करते हैं जब बिहार, संयुक्त बिहार में हम रहते थे और लालू यादव की सरकार थी और रांची में 7 बजे के बाद मेन रोड में सन्नाटा हो जाता था, कर्फ्यू सा लग जाता था। वही परिस्थितियां फिर से आज उत्पन्न हो गई है दोस्तों। 18 महीने के शासनकाल में हम कह सकते हैं कि हत्या की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में 1898 हत्या हुई। 2021 की बात हम करते हैं तो 780 हत्या रजिस्टर्ड केस, हम नहीं कह रहे, उनके आंकड़े कह रहे हैं, उनके आंकड़े, और कुल मिलाकर के 2678 हत्या के केस रजिस्टर हुए हैं। हम इसको 2678 जो आंकड़े हैं उतने उससे ज्यादा मौतें हुई हैं, तो FIR हुआ है 2678। और जो आंकड़े रजिस्टर्ड किए गए हैं सरकार के, जो पुलिस के आंकड़े हैं उनके साइट में, वो भी संदेहास्पद है। उससे ज्यादा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मई में भी 126 हत्या, जून में भी 124 हत्या, इस प्रकार का उल्लेख है, उस भी संदेहास्पद है। लेकिन उनके आंकड़ों की हम बात करते हैं तो 2678 केस हुआ है जिसमें इतने लोगों की मौत दिखाया गया है। ये बहुत ही खतरनाक है। बलात्कार, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की, हमारे आंगन की शोभा, हमारे राज्य की मस्तक को ऊंचा करने वाली हमारी बहनें, रेप की अगर हम बात करते हैं जिसको बलात्कार कहते हैं, बलात्कार, वो इस राज्य में बलात्कारियों का 18 महीने में तांडव उभर कर सामने आया। 2020 में 1791 रेप की घटनाएं हुई, तो 2021 में 632, अभी पूरे साल नहीं हुए, और कुल मिलाकर के 2423 बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं तो 9 डेथ केस 41, नक्सल वारदात 538, अपहरण की घटना 2400, डकैती 190, रॉबरी 1036, 1036 रॉबरी, और कुल मिलाकर कहा जाए तो संगीन अपराधों की संख्या लगभग 10,000। 18 महीने का शासनकाल और झारखंड के मस्तक को नीचे पूरे भारत में गिराने वाली सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की और कांग्रेसी और आरजेडी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। जब से सरकार बनी है तब से
जनता की आवाज, 3.5 करोड़ जनता की आकांक्षा और अभिलाषा के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी, चाहे नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, उसके लिए लगातार संघर्ष कर रही है दोस्तों। इस कोरोना कालखंड में भी कोरोना के मापदंड को हम मानते हुए हमारे कार्यकर्ताओं पर 171 लोगों पर FIR किए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से काम करने का संकल्प है, अंत्योदय को जमीन पर उतारने का संकल्प है। इसलिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हम डरते नहीं ऐसी तानाशाही सरकार से, निरंकुश सरकार से, और हमारे कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और अब हम लोगों ने तय किया है कि कानून व्यवस्था के सवाल पर और रोजगार के मुद्दे पर हम सड़क पर आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं। और इसीलिए 20 तारीख से, 20 अगस्त से लगातार, हाउस 13 तारीख को खत्म हो जाएगा, 20 तारीख के बाद 20 तारीख से सॉरी 20 तारीख से हमें सभी मंडलों में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हम लोग करेंगे। ये अलग बात है कि हम पर मुकदमे होंगे, मैं जानता हूं, ये अलग विषय है कि कांग्रेस के लोग तंबू गाड़ करके राजभवन में चकाचक कपड़ा पहन के धकाधक फोटो खिंचवाने का काम किया है, लेकिन एक भी उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खेतों में किसानों के साथ जब संघर्ष करता है तो उस पर मुकदमे किए जाते हैं। ये दोहरा चरित्र यहां के लोगों ने देखा है, देश झारखंड की जनता ने देखा है। इसलिए दोस्तों हम फिक्र नहीं करेंगे, हम आंदोलन करने से, आंदोलन से पैदा हुए लोग हैं, हमारी पार्टी संघर्ष में पैदा हुई, हमारे कार्यकर्ता जितना आंदोलन करते हैं, जितना संघर्ष करते हैं, उतना निखर करके आते हैं दोस्तों। इसलिए आपके सामने मुखातिब हुए, अच्छा लगा, बहुत बेहतर लगा। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। इस राज्य में भी अघोषित आपातकाल है, अघोषित, मैं जानता हूं, उसके चित्रण नहीं कर सकता, मैं आप पर छोड़ता हूं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।